नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब पूरी दुनिया में COVID-19 के 13,74,03,991 केसेस हैं, जिसमें से 5,88,036 लोग की मृत्यु हो चुकी है और 8,19,03,032 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं। अब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में 9,80,710 केसेज हैं, जिसमें से 25,122 डेथ हो चुकी हैं, 6,20,194 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं। भारत में लगभग एक्टिव केसेस हैं 3,35,394। भारत में टोटल टेस्टेड अभी 1,27,39,490 हुए हैं। पर मिलियन की बात करें तो भारत में 10 लाख लोगों में 9,228 लोग इन्फेक्टेड हैं, या मान लो कि अभी टेस्टिंग हुई नहीं तो उस हिसाब से ऐसा रेट है। और अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि चाइना के वुहान शहर से हुआ था। और चाइना के एक पॉलिसी है छुपाने की, वो शो नहीं करते कोई भी डेटा। आप लोग ये सोचिए कि जिस जहां से इसका ओरिजिन हुआ वहीं इसके केसेस 80,000 केसेस निकलते हैं और 2,336 लोगों की मौत भी होती है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि चाइना के खिलाफ भारत में कैंपेन चल रहे हैं, जैसे सोनम वांगचुक जी की #BMIC, #BoycottMadeInChina, #RemoveChinaApps। भारत सरकार ने भी 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है, आप लोगों को पता होगा, जिसमें से टिकटॉक और बहुत सारे से हैं, UC ब्राउजर। तो बात करते हैं कि भारत में क्यों बढ़ रहे हैं केसेस, चलिए डिस्कस करते हैं इस बारे में कि भारत में व्हाई इज स्प्रेडिंग COVID-19 केसेस इन इंडिया। मेरा मानना है कि जब COVID-19 की शुरुआत हुई थी भारत में, जब पहला केस मिला था केरला में, तो हम लोग टेस्टिंग बहुत कम मात्रा में कर रहे थे, जिसके कारण कम केसेस निकल रहे थे। 21 दिन का लॉकडाउन लगा, चैन तोड़ने की कोशिश की गई, फिर भी लगातार आप इस समय आप देख रहे होंगे लगातार बढ़ रहे हैं केसेस। उसका मतलब ये है कि भारत में टेस्टिंग बढ़ रही है। मान लो मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज पहले 100 टेस्टिंग 100 लोगों की होती थी तो उसमें से 10 लोग निकलते थे, अब वही टेस्टिंग 1,000 हो गई है तो 100 लोग निकल रहे हैं, मतलब टेस्टिंग ज़्यादा हो गई इस वजह से केस निकल रहे हैं। और आप लोगों को ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, इसका रिकवरी रेट इंडिया में बहुत अच्छा है, बट आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का ज़रूर पालन करें। अगर आपके घर में माता पिता, भाई बहन या कोई फैमिली में या कोई रिलेटिव्स डायबिटीज़, BP, लिंग्स की बीमारी है तो उनको खतरा ज़्यादा है। और सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करें तो शायद ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। बहुत इम्पोर्टेंट काम हो तभी आप बाहर जाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस।